बात करेंगे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं वो औषधियाँ किस वनस्पति से मिलती हैं और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। कुनैन नामक जो औषधि है यह सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। इसका उपयोग मलेरिया नामक रोग से बचाव में किया जाता है। कोकेन कोकेन जो है कोको नामक वनस्पति से पाई जाती है, प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग पीड़ाहारी तथा संवेदनहारी में किया जाता है। यह पीड़ाहारी दवा है। कैफीन जो है यह चाय और कॉफ़ी से प्राप्त होती है और यह स्फूर्ति प्राप्त करती है। स्फूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टेट्रा साइक्लिन साइक्लिन यह जो है बैक्टीरियम नामक वनस्पति से प्राप्त होती है और इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पेंसिलिन जो है यह पेंसिलियम नामक वनस्पति से प्राप्त होती है। पेंसिलियम एक कवक है और इसका उपयोग जीवाणुनाशक तथा जीवाणुरोधी के रूप में करते हैं। पपाइन पपाइन जो है यह पपीता से प्राप्त होता है और इसका उपयोग अत्यधिक पाचक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन यह पोस्ता नामक वनस्पति से प्राप्त होती है। इसका उपयोग पीड़ाहारक एवं दर्द निवारक के रूप में करते हैं। मेंथॉल मेंथॉल जो है मेंथा से प्राप्त होती है, मेंथा नामक वनस्पति से, और इसका उपयोग बाहरी त्वचा पर लगाने से जो है दर्द कम करता है। मेंथा ऑयल एस्ट्रोगिन तो एस्ट्रोगिन जो है ये बेलाडोना नामक वनस्पति से प्राप्त होती है और इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ और उनसे बनने वाली औषधि और उसका उपयोग।